शैलाधर्पण पर पांचवी या आठवीं के बोर्ड फॉरम में गड़बड़ी हो चुकी है, तो इसके लिए आप इसे अनलॉक करवा लें। अपने डाइट से उसे एक मेल लिखें या फिर जाकर के खुद ही अपने सीबीओ को एक लेटर दें उसको अनलॉक करवाने के बाद। तो के हित उसे अनलॉक करवाने हेतु मैंने उसी तरह से किया था, उसे अनलॉक करवाने के लिए एक लेटर लिखा था सीबीओ को, और उन्होंने आगे इस बात को पहुंचाया। इसके बाद अगर हो सके तो डाइट पर जाकर खुद ही संपर्क कर लें, तो देखते हैं हमारा फॉरम यहाँ पर अनलॉक हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है, इसका मतलब ये अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर ये अप्लाई और व्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे फॉर्म ठीक से भरा गया है, तो इसके लिए मैं वापस से यहाँ जाऊँगा और देखता हूँ, यहाँ पर आवेदन की स्थिति को देखता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं क्या है स्थिति। यहाँ पर व्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक स्टूडेंट का नाम हटाना था, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हट भी चुका है। देख लेते हैं उस स्टूडेंट का नाम यहाँ पर हटा नहीं है, तो उसको हटाने का प्रोसेस भी कर लेते हैं। वापस यहाँ पर क्लिक करके रिजेक्ट क्लास 5th एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम 8वीं सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो रिजेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर एक बच्चे का नाम आ रहा है, तो मैं इसे हटा देना चाह रहा हूँ। इसका फॉर्म पूरा भरा नहीं है, या NSO मैंने पहले ही कर दिया था, तो इसको यहाँ से रिजेक्ट करते हैं लगातार अनुपस्थितिकरण रहने के कारण, और इसे अपडेट कर देते हैं। इसके बाद चेक करते हैं कि चेक लिस्ट में इसका नाम है या नहीं है, तो यहाँ से वापस जाते हैं और इस वाले आवेदन स्थिति में चेक करते हैं और इस पर क्लिक करके इसे देख लेते हैं। तो आवेदन के लिए चेक स्थिति में इसका नाम हट चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसे डाइट से अनलॉक करवा दिया था, इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। एक लेटर पैड पे लेटर लिखना है और उसे डाइट तक पहुंचाना है, तो वो आपको 5वीं या 8वीं की फॉर्म अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद आप वो सारी प्रक्रिया कर सकते हैं जो आप लॉक होने से पहले कर रहे थे। इसके बाद संपूर्ण डाटा सही हो जाए, इसके बाद आप इसे वापस लॉक जरूर करवा दें, 5वीं बोर्ड के फार्म या फिर 8वीं बोर्ड के फार्म। तो यही था प्रोसेस इसको अनलॉक कराने का, मैंने आपको बता दिया और साथ में ही बता दिया किस तरह से आप अगर किसी स्टूडेंट का गलती से नाम कट जाए तो क्या करना है। तो आप उसे NSO कर दीजिए। NSO करने के बाद यहाँ पर जो 5वीं और 8वीं बोर्ड का ये वाला ऑप्शन है, रिजेक्ट क्लास 5th 8th एग्जाम एप्लीकेशन, यहाँ रिजेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपने पहले NSO कर दिया होगा, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी नीचे की तरफ। जैसे मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये लिस्ट में नाम आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया इसलिए यहाँ पर रिवर्ट आ रहा है। आप इसे रिजेक्ट करके हटा दीजिएगा और रिजेक्ट करने का कारण बता दीजिएगा, TC ले गया तो TC या फिर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण। तो इस तरह से आप इसका नाम भी हटा सकते हैं, लेकिन यह आप लॉक करने से पहले करेंगे काम, लॉक करने के बाद ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये छोटी सी जानकारी थी, एक कमेंट आया था इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने इसे आपको शेयर कर दिया। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।